हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कर रहे हैं कक्षा पाँचवीं की हिंदी वर्कशीट जो कि माह मार्च की है, उसका पूरा हल जो 2021 की है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला नंबर प्रश्न, जिसमें दिया है आपकी शाला में आयोजित किसी एक दिन को बाल सभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है, किसी एक दिन की बाल सभा का वर्णन अपने शब्दों में करना है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, हमारी शाला में बाल सभा का आयोजन शनिवार के दिन किया जाता है। उस दिन सभी छात्र एवं छात्राएं दो गुटों में बंटकर सभी बाजी करते हैं, सभी अपने हुनर का प्रदर्शन करते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। इसके बाद में आता है आपका प्रश्न नंबर दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरे का देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि अपने मतलब पाठ्य पुस्तक के पाठ में मैं और मेरा देश के आधार पर देश का गौरव बढ़ाने वाले कार्य लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, हमें अपने साथ साथ अपने देश का सम्मान भी करना चाहिए, फिर है चाहिए और अपने देश का गौरव बढ़ाने के लिए ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे अन्य देशों में भी हमारे देश का नाम ऊँचा हो तथा सभी देश हमारा और हमारे देश का सम्मान करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का। तो अब आता है आपका प्रश्न नंबर तीसरा। इसमें दिया गया है कि पाठ्य पुस्तक के पाठ रानी अवंती बाई में रानी अवंती बाई ने अंग्रेजों का विरोध किस प्रकार किया। कैप्टन बॉन्डिंगटन के साथ हुए युद्ध का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, महारानी अवंती लोधी ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से खुलकर लोहा लिया था और अंत में भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी थी। रानी अवंती बाई और कैप्टन वाशिंगटन के मध्य युद्ध हुआ जिसमें वाशिंगटन पराजित हुआ। वाशिंगटन ने अपनी हार का बदला लेने के लिए बड़ी सेना के साथ आक्रमण कर दिया जिसमें महारानी अवंती बाई पराजित हुई। तो इसका आंसर इस टाइप से था, लिख देंगे आप। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर चौथा, जिसमें दिया गया है पाठ्य पुस्तक के पाठ राष्ट्र प्रहरी में अपने देश को सेना के बारे में आपकी देश की सेना के बारे में पढ़ा और यदि आप थल सैनिक होते तो आपको किन किन कर्तव्यों का पालन करना होता अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा वो इस प्रकार से, यदि हम थल सेना में होते तो निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करते जिसमें है देश की रक्षा करना, फिर है प्राकृतिक आपदाओं के समय देश की जनता की मदद करना या मदद पहुँचाना, फिर आएगा देश सेवा में अपना सर्वस्व बलिदान करते। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर लिख देंगे। फिर आता है प्रश्न नंबर पाँच, जिसमें दिया गया है प्रश्न है पाठ्यपुस्तक के पाठ पातलकोट के आधार पर बताइए कि पातलकोट वासियों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा पातलकोट वासियों द्वारा इन समस्याओं का हल किस प्रकार किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा गया है, पातलकोट वासियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ सूरज 9 बजे उगता है और 3 बजे डूब जाता है। वहाँ पहुँचने का रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ है। वहाँ कहीं पुरानी मान्यताओं के चलते खेती नहीं करते, वे अब यह मान्यताएं टूट जा रही हैं। अब वहां जो बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है वो इस बात का प्रतीक है कि नई रोशनी से पातलकोट निश्चित रूप से जगमगा उठेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का आंसर है, इसके लिए आप नोट कर लेंगे। फिर देखते हैं आपका अगला प्रश्न। यहां पर प्रश्न नंबर छठवां दिया गया है, जिसमें है कि पाठ्य पुस्तक के पाठ उन्नत खेती उत्तम खेती के अनुसार किसान अपनी राय को बढ़ाने के लिए खेती के साथ साथ और कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, इनसे किस प्रकार किसान की आय बढ़ती है अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा है, किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए मुख्य फसल के साथ साथ अन्य फसल भी बो सकते हैं, वह कृषि के साथ साथ पशुपालन भी कर सकते हैं। आय बढ़ाने के लिए मिट्टी की जांच कराना भी आवश्यक है, पशुओं के गोबर की खाद का उपयोग भी कर सकते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ती है और उत्पादन में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार का आंसर था, इसे आप नोट कर सकते हैं, अपनी वर्कशीट में लिख सकते हैं। फिर आता है आपका प्रश्न नंबर सातवां, जिसमें हमारा खंड है बासे है और ये प्रोजेक्ट कार्य है। तो प्रोजेक्ट कार्य से लिया गया है, तो इसके लिए आप लिखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है, आप अपने मित्रों के साथ कुछ खेल खेलते होंगे, उसी आधार पर लिखिए। ठीक है, आपके द्वारा खेले जाने वाले खेलों के नाम, जैसे कि आप जो भी खेल खेलते हैं, जैसे क्रिकेट है, कबड्डी है, कैरम है आदि, ऐसे जो भी आप खेल खेलते हो उनके नाम लिख देना है। फिर उसके बाद में आपके द्वारा खेले जाने वाले खेलों की सामग्री के लिए चित्र बनाइए, ढूंढकर चिपकाइए और चित्र के नीचे उसका नाम भी लिखिए। तो यहाँ पर जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बैट और बॉल आ जाएगी, तो यहाँ पर लिख देंगे। और फिर यहाँ पर बीच आ जाता है तो बीच में खेलते हैं, आपकी गोट आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर उनके नाम लिख देंगे जिनके साथ हम खेल खेलते हैं।
ठीक है, इस प्रकार का आंसर लिखना था। फिर यहाँ पर कुछ दो प्लेयरों के नाम लिखने थे जो आपके लिए पसंद है, जैसे कि एम एस धोनी और विराट कोहली, तो ये लिख सकते हैं अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद में आता है तो प्रश्न कि आप कौन कौन से खेल खेलना अच्छा लगता है और क्यों। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है कि हमें क्रिकेट खेलना पसंद है क्योंकि इसमें हमें अपने बहुत से साथी दोस्तों के साथ खेल सकते हैं, क्योंकि इसे हम बहुत से दोस्तों और साथी के साथ खेल सकते हैं। तो इस उत्तर को आप नोट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अपने हिसाब से भी लिख देंगे अगर आपको पसंद है, इसका रीज़न आप खुद बता सकते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 8, जिसमें आपके लिए पहेली दी गई है, पहेली के अनुसार इस टेबल को भरना है। तो यहाँ पर आप नीचे देखे गए संकेतों के लिए पढ़ें और उसी हिसाब से इस टेबल को भर लें। तो यहाँ पर दिखाई जा रही टेबल को आप फिल कर सकते हैं, ये कमल लिखा है, ये जाना लिखा है, ये टखना लिखा है, फिर ये लिखा है आँचना अचना, इसके बाद में है कना, फिर नाचना, फिर नाना, और ये रहा आपका मकड़ी, और ये रहा मस्त, और ये रहा आपका रुकना, और ये रहा ठीक है चमका चमक। तो इस प्रकार से आपकी जो वर्कशीट थी उसका पूरा ये हल रहा। अगर वीडियो आपके लिए पसंद आती है तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फ्री एम पी स्टडी।